हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूले मेरे इस चैनल को, और लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूले। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा एक बैंक जो कि प्राइवेट सेक्टर बैंक कनाडा बैंक में यहाँ पर रिक्रूटमेंट जो कि निकला हुआ है इस मंथ में, इसके बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे प्रोबेशनरी ऑफिसर के जो कि पोस्ट निकला हुआ है रिक्रूटमेंट। तो दोस्तों, जो लोग चाहते हैं इस बैंक के लिए, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना, उन लोगों के लिए बताऊंगा कि आप लोग पूरा वीडियो देखें। पूरा वीडियो देखने के बाद ही आप लोग जान पाए किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए इसका जो डिटेल्स है मैं यहाँ पर आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। इसके लिए मैं इसका जो एडवर्टाइजमेंट है यहाँ पर मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसका जो डिटेल्स है मैं बात करूँगा। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जो कनाडा बैंक है ये प्राइवेट सेक्टर एक बैंक है, तो इसके जो बहुत ही ज़्यादा जो कि सैलरी होता है इस पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे तो अगर आप चाहते हैं तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना तो इसलिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इसका जो डिटेल्स है यहाँ पे चला आया है कनाडा बैंक की पोस्ट जो है यहाँ पे प्रोबेशनरी ऑफिसर की जो पोस्ट है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो दिया हुआ है एप्लीकेशन फीस जो है यहाँ पे आपका चार्ज कर डेट जो कि है यहाँ पे आपको 23 से शुरू होगा आपका एप्लीकेशन, और 13 नवंबर 2018 तक आपका जो लास्ट डेट रहेगा। तो इसके साथ साथ आपको एक बात बोल देता हूँ कि इसका जो एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, सीबीटी एग्ज़ाम होगा, इसके एग्ज़ाम जो होगा 5 दिसंबर 2018 से शुरू होगा। तो इसके साथ साथ मैं बोल देता हूँ कि इसका जो ऑल क्या डिटेल्स है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टोटल वैकेंसी जो है 800, और मैं एज लिमिट की बात करूँ तो यहाँ पर 20 to 30 ईयर्स तक आपका जो एज लिमिट रहेगा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। इसके साथ साथ इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए डिग्री ग्रेजुएशन विद मिनिमम 60% मार्क्स 55 फॉर द SC ST PWD। तो दोस्तों, जो लोग जनरल OBC है उन लोगों के लिए ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होना चाहिए, और जो लोग SC ST PWD है उन लोगों के लिए यहाँ पे आपको 55% लेके आपको होना चाहिए जो कि ग्रेजुएशन कंप्लीट, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कोर्स फी यहाँ पे जो कि आपको दिया हुआ है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे पेटीएम पेमेंट जो कि है यहाँ पे आपको देना होगा, एक एप्लीकेशन फीस जो कि आप लोग को यहाँ पे भरना होगा, उसके बाद ही आपको अप्लाई कर सकते हैं। आपका सैलरी जो रहेगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहेगा। इसके साथ साथ हिंदी में आपको नॉलेज चाहिए, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट सैलरी अक्वायर वर्किंग नॉलेज इन हिंदी, तो आपको हिंदी आना चाहिए, उसके बाद ही आप जो कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लोग हिंदी नहीं आते उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि आप लोग हिंदी प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस जो है ऑल अदर कैंडिडेट जो कि SC ST OBC जो सॉरी जो लोग जनरल एंड OBC वाले हैं उन लोगों के 780 रुपीज़ आपको चार्ज देना होगा, एप्लीकेशन फ़ीस देना होगा, और SC ST PWD जो लोग है उसके लिए 118 रुपीज़ आपको यहाँ पे जो कि आपका एप्लीकेशन फ़ीस देना होगा। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको लिंक जो है ऑनलाइन में आपको अप्लाई करना होगा, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो इसके साथ साथ ये था जो कि यहाँ पे जो आपका जो ऑनलाइन सेंटर होगा यहाँ पे दिया हुआ है, ऑनलाइन टेस्ट सेंटर जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के लिए यहाँ पे जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम, बिहार, चंडीगढ़, ये इस तरह से आपका जो ऑल ओवर इंडिया में जो जो स्टेट है उस स्टेट में कहाँ कहाँ आपका सेंटर होगा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपका सेंटर ये रहेगा। तो इस तरह से आपको अगर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये था आपका जो रिसेंटली पोस्ट जो कनाडा बैंक की तरफ से। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे इस चैनल को, और लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए फ्रेंड्स। थैंक यू।